आज बनाएंगे आलू भिंडी और चने की सब्ज़ी। अगर आप लोग की सब्ज़ी चिपचिपी बनती है तो मेरे तरीके से बना के देखिए, चिपचिपी नहीं बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को काट के धो लेना है और टमाटर को पतला पतला काट लेना है और भिंडी को धो के काट लेना है और थोड़ा सा फूला हुआ चना लेना है और प्याज को छोटा छोटा काट लिए हैं और लहसुन अदरक और मिर्चा को कूट लिए हैं। आप लोग पेस्ट भी बना सकते हैं। और मसाला में लिए हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाला को थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देना। सबसे पहले भिंडी को भून लेना है। भिंडी में थोड़ा सा नमक डाल देना। भिंडी में ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ी में भी नमक डालना है। देखिए भिंडी अच्छा से भुना गया है, अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेना है। और भिंडी को पहले भून के रखने से सब्ज़ी चिपचिपी नहीं बनती है। थोड़ा सा तेल डाल देना है और तेल में सूखा मिर्चा तोड़ के डाल देना है और तेज़पत्ता डाल देना है। मिर्चा तेज़पत्ता फ्राई हो गया, अब प्याज को डाल देना है। अब लहसुन और अदरक कूट के रखे थे उसको डाल दें। अब इसको अच्छे से भून लीजिए। देखिए प्याज अच्छा से भुना गया है, आलू को डाल देना है। अब चना को भी डाल देना। अब इसको 2-3 मिनट भून लेना है। अब जो मसाला फुला के रखे थे उसको डाल देना है। अब मसाला को अच्छे से भून लेना है। देखिए मसाला भुना गया है, टमाटर को डाल देना है और नमक स्वाद अनुसार डाल देना है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। तो देखिए हम लोग कच्चा आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए टमाटर को अभी डाले हैं। अगर आप लोग उबाला हुआ आलू इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग पहले भी डाल सकते हैं। तो देखिए सब्ज़ी अच्छा से भुना गया है, अब इसमें पानी डाल देना है। तो देखिए सब्ज़ी थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएंगे, इसीलिए 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किए। अब सब्ज़ी को 3-4 मिनट ढक के पका लेना है मीडियम आंच में। तो देखिए आलू पक गया है, अब भिंडी को डाल देना है और इसी तरह से मिला लेना है और 2 मिनट अच्छा से उबाल लेना है। और देखिए गर्म गर्म भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आप लोग भी एक बार बना के देखिए और आप लोग इसको चावल के साथ, रोटी के साथ या पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। और आप लोग भिंडी की सब्ज़ी मेरे तरीके से बना कर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में।